बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर के साथ की जा रही है। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए एक साथ चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारी अंतिम चरणों में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही आयोग ने इन पदों पर चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन चार्ज भी तय कर दिया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा जिला परिषद के उम्मीदवारों को ₹2,000 देने होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे अलग अलग पद के नामांकन करना होगा और शुल्क जमा करना होगा। नामांकन शुल्क कोषागार में चालान से जमा होगा या नगद राशि प्राप्त कर नाजिर रसीद दी जाएगी। ग्राम कचहरी, पंच और पंचायत सदस्य प्रत्याशी का नामांकन शुल्क ₹250, महिला प्रत्याशी, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी के लिए ₹125, मुखिया एवं कचहरी सरपंच प्रत्याशी का ₹1,000, महिला प्रत्याशी, एससी, एसटी एवं पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी का ₹500, जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को ₹2,000 और इसी में महिला प्रत्याशी, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी का ₹1,000 नामांकन शुल्क के रूप में देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को पंचायत और ग्राम कचहरी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी करने का निर्देश देने को और तैयार रहने का निर्देश दिया है। राज्यपाल द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद डीएम अपने जिले में सभी 6 पदों के नामांकन पत्रों की जांच, समय और प्रत्याशियों के नामांकन वापस लिए जाने की सूचना प्रकाशित कराएंगे। आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के मतदान और मतगणना के समय भी तय करा दिए गए हैं। मतदान सुबह 7 से शाम 5 तक कराया जाएगा, जबकि मतगणना सुबह 8 से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को गाइडलाइंस से संबंधित पत्र जारी करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आयोग ने गाइडलाइन में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।